आज हम लोग BPL फिटल मॉनिटर FD02 कैसे क्या काम करता है, उसका इंस्टॉलेशन तो कुछ जनरली है नहीं, काफ़ी रेडी टू यूज मशीन है, तो वो किस तरीके से है, क्या क्या उसमें रहता है और क्या क्या एडवांटेजेस है, वो सारी चीज़ें हम आपको आज बताएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा FD02 मॉडल है जो कि कलर डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें आप 16 वीक के बच्चे से 16 वीक के ऊपर के बच्चों का आप फिटल हार्ट रेट चेक कर सकते हैं और उसका आउटपुट आप और जो उसका जो हार्ट का रेट होता है या जो उसका हार्ट रेट है वो आप सुन सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बाहरी डब्बे पे दे रखा है जो भी इसके एडवांटेजेस हैं। यह हाई सेंसिटिव प्रोब के साथ आता है, ड्यूल मोड स्टैंड बाई है, डिस्प्ले है ड्यूल मोड में डिस्प्ले आता है जो अभी हम आपको अंदर बताएंगे जो डिस्प्ले में क्या क्या करता है, रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है, उसके साथ डिटैचेबल प्रोब जो है वो आप डिटैच कर सकते हैं, माइक्रो USB चार्जर है और विजुअल अलार्म्स है। अलार्म्स आपको आएंगे जब फिटल रेट काफ़ी हाई होगा। जैसे कि देख रहे हैं हमने मशीन खोला है, इसमें एक यूजर मैनुअल पहले दे रखा है, यूजर मैनुअल में जो भी चीज़ें मशीन किस तरीके से ऑपरेट करती है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। आप देख सकते हैं ये अपना फिटल मॉनिटर है, सॉरी फिटल डॉपलर है, डॉपलर में ये अपना डिस्प्ले हो गया और ये हाई सेंसिटिव प्रोब हो गया जो कि 2.5 MHz की फ्रिक्वेंसी पे काम कर सकता है। इसके साथ ये हमारा रिचार्जेबल बैटरी है, इस रिचार्जेबल बैटरी को हम ऐसे ये खोले पीछे से ओपन करके प्लस माइनस के हिसाब से इंसर्ट कर देंगे। ये इंसर्ट करने के बाद ये प्रोब जो है, ये प्रोब हम अपना यहाँ पे प्रोब इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद हम ये अब मशीन को स्विच ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं कलर डिस्प्ले इसमें आ चुका है। इसमें बेसिकली तीन स्विच रहती है, एक ऑफ ऑन करने के लिए, एक अप एंड डाउन यानी वॉल्यूम ज़्यादा कम करने के लिए, ये वॉल्यूम ऑफ करने के लिए, वॉल्यूम डाउन करने के लिए। आप इसमें डिस्प्ले में देख सकते हैं ये वॉल्यूम अभी 8 पे है, ये जैसे ही डाउन की को प्रेस करेंगे वॉल्यूम कमता चला जाएगा। ये हमारा बैटरी बताता है जो बैटरी हमारा कितना परसेंट चार्ज है, यहाँ पर हमारा न्यूमेरिक में बताएगा जो कितना BPM हार्ट रेट आ रहा है फिटल का, इसको हम ये हमारा जो अल्ट्रासाउंड प्रोब है उस प्रोब पे हम इस पर हल्का हल्का हार्ट रेट की तरह मारेंगे तो हमारे रीडिंग्स आना। देख सकते हैं जब हम धीरे मारते हैं तो एम्पियर कम आता है, जब जोर से मारते हैं तो एम्पियर का एम्पलीट्यूड ज़्यादा आता है। देखिए हमारा रीडिंग्स आना स्टार्ट हो गई है, डेढ़ आ रहा है, चूँकि जो ये फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम है, क्योंकि बच्चे का धड़कन काफ़ी तेज़ धड़कता है, इस कारण वो रीडिंग आती है और वो चली जा रही है। अभी वो 161 है चूँकि हम लगातार प्रेस करते जा रहे हैं। ये हमारा विथिन रेंज है तो ये हरा कलर का आ रहा है, रेंज के ऊपर नीचे आएगा तो ये ब्लू कलर का आएगा। जब पावर बटन को हम जब आधा प्रेस करेंगे तो हमारे ग्राफ मोड में आ जाएगा। ग्राफ मोड में देखते हैं FHR जो रेट है यानी फिटल हर्ट रेट है, वहाँ पे आपको यहाँ पे दर्शाएगा BPM के रूप में, ये वॉल्यूम कितना है वो यहाँ पे बताता रहेगा। यहाँ से भी कम ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम हमारा कम ज़्यादा हो रहा है, ये वॉल्यूम हम लोग इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ग्राफ के रूप में यह सारा डिस्प्ले होगा तो अभी हम इसको जब लगातार चलाते रहेंगे तो जब हमारा BPM आने लगेगा तो उसके हिसाब से यहाँ ग्राफ प्लॉट होता रहेगा। देखिए हमारा 132 रीडिंग आ रहा है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं जो ग्राफ हमारा यहाँ पे प्लॉट हो रहा है। देख रहे हैं डिस्प्ले पे रीडिंग्स आना स्टार्ट हो गई है। देखिए यहाँ पे एक नया रीडिंग्स आया है, यानी कब क्या है किस टाइम पे है, ये एक्स एक्सिस पे टाइम का आप मान लीजिए, वाई एक्सिस से कितना FHR का रीडिंग्स आ रहा है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जो ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। पावर बटन को वापस प्रेस करेंगे तो इस पर आ जाएगा, इसको जब लॉन्ग प्रेस हम करेंगे तो ये मशीन स्विच ऑफ हो जाएगा। इसको ये होल्डर के साथ दिया जाता है, इस होल्डर में डाल के हम इसको वापस प्रीपैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये सिस्टम है इसमें हम लोग को इसके अलावा जो है एक ये USB चार्जर दिया रहता है, जिस चार्जर से हम अपना फिटल मॉनिटर चार्ज कर सकते हैं। ये सिर्फ केबल है, इसका चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा या फिर आपके घर में जो एग्जिस्टिंग चार्जर है उसे यूज कर सकते हैं। उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे USB दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको खोल के इंसर्ट करके जो अंदर हमने रिचार्जेबल बैटरी लगाया है उस बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5 mm का जैक दिया हुआ है फॉर हेडफोन ईयरफोन लगाने के लिए, आप ईयरफोन लगा के भी जो इसका साउंड है वो आप सुन सकते हैं। थैंक यू।